Welcome to another video. This is Muin. Today we'll be discuss question is how many types of computers are there on the basics of functions. मतलब कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आपने ये देखा होगा वीडियो नंबर इससे पहले वाली या क्वेश्चन नंबर 12वां और 11वां क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा पहले आपने अपन ने पढ़े थे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, उद्देश्य के आधार पर मतलब पर्पस के आधार पर कंप्यूटर। फिर दूसरे कंप्यूटर अपन ने जो पढ़े वो अपन ने पढ़े थे कि आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, है ना। अब अपन पढ़ रहे हैं कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो इसको पढ़ लेते हैं अपन, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला माइक्रो होता है, फिर उसके बाद मिनी आता है, फिर उसके बाद मेन फ्रेम आता है और फिर सुपर कंप्यूटर आता है, ठीक। ये चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो इस वीडियो में अपन सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर को ही कवर कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल ले लिया है। वैसे आप चाहें तो DCA के या PGDCA के हिसाब से आप लिखना चाहें तो आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, मगर अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए पूरी तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, तो आप उसको भी देख लें क्योंकि लिखने में जितना मैटर आप याद करेंगे उससे कम ही लिख पाते हैं, ये एक सच्चाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है सबसे पहले, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। मतलब डेफिनेशन ऐसी है कि माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर होता है। आपको पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के समतुल्य है, मतलब कि जो छोटे कंप्यूटर होते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, है ना, जैसे आपके पर्सनल कंप्यूटर है, ये सब क्या हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के पूर्वज हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, ये इसके कौन है, पूर्वज। मतलब पहले जो मिनी थे ना, पहले उल्टा बनता आया, ठीक। जैसे सबसे पहले मेन फ्रेम बना, फिर मिनी बना, फिर माइक्रो बना, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर, ऐसे निर्माण होते गए। इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन तकनीक मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटरों के आकार को कम कर देती है। आपने पढ़ा था, अभी अपन ने जब पीढ़ियाँ पढ़ी थी कि जब इंटीग्रेटेड सर्किट आया, मतलब IC, तो उसका जो साइज़ था वो छोटा होता चला गया, ठीक। तो इस प्रकार से इसको अपन छोटा होता करते गए कंप्यूटर। तकनीक के रूप में माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसमें CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग, एक एकल चिप मतलब IC, एक माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज मेमोरीज यूनिट समाहित हैं। इतनी सी चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं। ये सभी घटक माइक्रो कंप्यूटर को समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब ये सब चीज़ें बड़े आकार में होंगी तो बड़ा कंप्यूटर बनेगा, छोटे आकार में होंगी तो छोटा कंप्यूटर बनेगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब ये आपको एक पिक्चर है दिखाई दे रही होगी, छोटा कर दें थोड़ा सा, फुल छोटा है, ठीक। पिक्चर ही मैंने बड़ी लगाई। ये कौन कौन से कंप्यूटर हैं, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाला क्या है, आपका डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप है आपका, ठीक है। ये क्या है, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप और लैपटॉप में लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आपके यहाँ कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर भी टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन आ जाएगा, जो छोटा है, जैसे कि आपका डेस्कटॉप जो एक डेस्क के ऊपर रखा रहता है। फिर लैपटॉप होता है जो लैप में मतलब गोदी में रखा रहता है। ये आपका क्या होता है, टैबलेट होता है, मतलब पीसी टाइप का होता है जो आप कम घरों में यूज़ कर लेते हैं, छोटा होता है। पेन टाइप भी होता है। ये आपका ये हैंडल हेड हो गया, मतलब कि मोबाइल फ़ोन हो गया। ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके डेस्कटॉप हैं। ये आपका डेस्कटॉप टाइप का छोटा टाइप का हो गया। तो ये सब मिला के क्या बनते हैं, ये इसको नोटबुक कहते हैं। नोटबुक मतलब जो किताब जैसी आता था, पहले छोटा आता था। लैपटॉप का एक छोटा सा रूप था, छोटा सा वर्जन मानते थे उसको ही किसका नाम दिया जाता था, नोटबुक का नाम दिया जाता था। आजकल इसका देखने का प्रचलन कम मिलता है क्योंकि लैपटॉप इतने छोटे होने लगे हैं, उसका साइज़ बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ये कौन है, सब आपके माइक्रो कंप्यूटर की पिक्चर्स थी, ठीक। उसके बाद आते हैं अगला। तो अब अपन को क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन अपन पढ़ के आ गए। अब पढ़ना है कि माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार पढ़ना है, माइक्रो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये भी अपन को ज़रूरी याद रखना है। और दूसरा माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग तो पढ़ना ही पड़ेंगे। आपके में पेपर में हो सकता है ये ना आए, दूसरा नंबर ना आए, पर ये ज़रूर आपसे पूछेगा। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार पूछ सकता है, यहाँ नहीं तो कहीं, क्योंकि कंप्यूटर की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो गहराई से पढ़ाई करना पड़ेगी, ठीक। या आपको CPCT या अदर जो एग्ज़ाम है उनमें भी आपको ये काम देगा, ठीक है। उसके बाद ये आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग पूछ सकता है। ये पूछ सकता है आपसे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर, तो उनके कितने प्रकार तो हो सकता है नहीं भी पूछे, पर उपयोग तो पूछ सकता है कि उपयोग बताइए। तो पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मैटर लिखते हैं जब उसके बाद बहुत सारा मैटर बन जाता है। तो आगे चलिए क्या पढ़ेंगे, पहला अपन माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो अधिकांश वर्क स्टेशन भी इसी कारण से माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। हालांकि कुछ पर्सनल कंप्यूटर सबसे तेज वर्क स्टेशन जिससे जितने तेज होते हैं, और एक से अधिक व्यक्तियों, मतलब एक बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर तब तक एक माइक्रो कंप्यूटर है जब तक उसे CPU के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो कंप्यूटर जब तक कहेंगे जब तक उसका एक CPU है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। अब बहुत तेज़ गति से काम करने से अधिक व्यक्ति, मतलब अगर बहुत तेज़ गति से काम करेगा तो एक दो लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। और अगर एक माइक्रो कंप्यूटर है, एक CPU हो, तो एक बंदा ही काम कर सकता है। फिर दूसरा बहुत चलता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ नोटबुक, ठीक है। स्मरण पुस्तक कहते हैं इसको, नोटबुक मतलब स्मरण पुस्तक हिंदी में कहा जाता है इसको, वैसे इंग्लिश में भी इसको, हिंदी में भी आजकल ऐसे लिखा आता है ये नोटबुक, इस टाइप से नोटबुक लिखा आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी है कि पूछ भी सकते हैं डायरेक्ट क्या क्या होता है, ठीक। तो नोटबुक सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है जी, कैसा होता है, सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है जो अल्ट्रा मोबाइल 3 इंच मोटा और 3 पाउंड से भी कम हल्का, पाउंड मतलब कि बहुत ही हल्का हो गया, 3 पाउंड से भी कम हल्का, और ब्रीफ केस से छोटा हो सकता है। ब्रीफ केस जानते हो, मतलब सूट केस, जो पहले अपने पुरानी मूवियों में देखे होंगे चोर वगैरह, छोटा सा एक इस टाइप का लेके जाते थे, हैंडल लगा होता था, इसको बोलते हैं ब्रीफ केस, ठीक है। तो इतना छोटा हो सकता है जिसमें एक कमरे में आसानी से स्थापित किया जा सकता है, कमरे में क्या कहीं भी जाएगा कोने में वो, तो ठीक है। और एक नोटबुक को केवल एक वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट IPS से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसको नोटबुक को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। अब कई बार ख्याल आता है या क्वेश्चन पूछते हैं कोई कि क्या होता है नोटबुक, तो अब आपको यहाँ से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा कि नोटबुक क्या है। तो ये देखिए इस टाइप का नोट होता है, नोटबुक होता है, इस प्रकार का आपका दिखाई दे रहा है, और ज़ूम तो नहीं करना है, देखो इस टाइप का ये होता था नोटबुक। मतलब ये समझ लो कि पहले जो अभी जो मोबाइल फोल्ड वो ओपन होने वाले आ रहे हैं ना, तो समझो वैसे ही है उस टाइप का। अगला पढ़ते हैं अपन लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है, तो लैपटॉप अधिकांश सब जानते हैं। देखो लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर बैटरी द्वारा संचालित नोटबुक कंप्यूटर से बड़ा होता है और कम बिजली की खपत के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ब्रीफकेस से भी छोटा हो सकता है। हालांकि लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर की क्षमताएं समान होती हैं, कौन की, लैपटॉप की और डेस्कटॉप की, जो ज़्यादातर होती हैं वो सब सिमिलर होती हैं जो भी चीज़ है उसके अंदर। लैपटॉप में एक पतली डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसमें कीबोर्ड के नेविगेशन के लिए टच पैड होता है, ये कीबोर्ड होता है, ये देखिए ये नेविगेशन होता है, नेविगेशन पैड है ये, जिसमें आप टच करते हैं पैड के लिए, और यहाँ पर ये कीबोर्ड लगा होता है। और डेस्कटॉप में ये सब अलग हो जाता है, स्क्रीन अलग हो जाती है, उसमें ये आप काम कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अब आता है डेस्कटॉप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर है और नोटबुक लैपटॉप से बड़े होते हैं, ठीक। नोटबुक और लैपटॉप क्या होते हैं, जो डेस्कटॉप है ना वो पर्सनल कंप्यूटर है और नोटबुक और लैपटॉप से बड़ा होता है। मतलब जो डेस्कटॉप होता है वो थोड़ा सा नोटबुक से, तो लैपटॉप भी बड़ा होता है और लैपटॉप से डेस्कटॉप बड़ा होता है। इन माइक्रो कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और मॉनिटर शामिल होते हैं। सिस्टम यूनिट में सब आ गया आपका CPU के अंदर, सब आ गया, ALU आ गया, कंट्रोल यूनिट आ गया, CU आ गया, आपकी मेमोरी आ गया, रजिस्टर आ गया, कैश मेमोरी आ गई, सब आ गया। और कीबोर्ड और मॉनिटर शामिल होते हैं। डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर लैपटॉप या नोटबुक में से सस्ते होते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है, थोड़े सस्ते होते हैं किसके अकॉर्डिंग, आप जैसे कि डेस्कटॉप ले लो, नोटबुक ले लो, इससे सस्ते होते हैं। एक नोटबुक के विपरीत जो अल्ट्रा मोबाइल है, एक डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर एक स्थान पर रहता है। डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर नोटबुक और लैपटॉप की तुलना में अधिक विश्वसनीय और मरम्मत में आसान होता है। जो देखो डेस्कटॉप जो होता है ना, नोटबुक और लैपटॉप से विश्वसनीय ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो डेस्कटॉप में हर सामान, हर जो भी उसमें यूज़ किया जाता है, जो भी डिवाइस, वो एक फोल्डिंग टाइप में आता है। उसको आप खुद ही यूज़ कर सकते हो, नया लेके आके लगा सकते हो, ख़राब हो जाए। और लैपटॉप के अंदर माइक्रो आकार में चीज़ें होती हैं, उनको सही करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये डेस्कटॉप होता है, ये देख लो डेस्कटॉप, आपने वो तो देखा ही है सब लोगों ने डेस्कटॉप। तो अब आते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सभी माइक्रो कंप्यूटर एक ही सिद्धांत पर आधारित होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के लिए CPU, डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी, इनपुट आउटपुट के लिए डिवाइस। लेकिन बाज़ार में कई प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं, उपलब्ध हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक अंतर विभिन्न प्रकार के डेटा बस और एड्रेस बस के उपयोग के कारण होता है। अब देखिए, एक डेटा बस होती है और एक एड्रेस बस होती है। डेटा बस और एड्रेस बस का उपयोग डेटा और एड्रेस सप्लाई करने के लिए किया जाता है। क्षमता को 32 बिट डेटा बस में और बस या फिर 64 बिट डेटा बस जैसे कि बिट्स के रूप में मापा जा सकता है। मतलब इसमें दो प्रकार के डाटा को भेजने वाले यंत्र होते हैं, जिसे डेटा बस कहा जाता है और एक एड्रेस बस कहा जाता है। इसको क्षमता को अप्लाई करता है। क्षमता को 32 बिट डेटा बस या फिर 64 बिट डेटा बस जैसे बिट्स के रूप में मापा जाता है। ये मापते हैं तो इसकी स्पीड से मापा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आता है माइक्रो प्रोसेसर। अब एक एक चीज़ पढ़ेंगे अपन, ये सब पढ़ लिए अपन ने, वही की वही चीज़ें दोबारा पढ़ने वाले जैसे अपन लैपटॉप कंप्यूटर के उसमें पढ़े थे आर्किटेक्चर में। तो आर्किटेक्चर में कंप्यूटर का पढ़ा था, वही की वही चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं अपन। माइक्रो प्रोसेसर के दो भाग होते हैं, एक अंकगणितीय तार्किक इकाई और दूसरा नियंत्रण। एक होता है आपका ALU होता है और एक आपका क्या होता है कंट्रोल यूनिट, मतलब CU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ये सभी इकाई सिस्टम की गणना करने, कमांड के निष्पादन करने, उपकरणों को नियंत्रण करने और संभालने के लिए काम आता है। ALU का काम लॉजिकल चीज़ों को निष्कर्ष करने के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका नियंत्रण इकाई का जो होता है वो उपकरण को नियंत्रण करने, संभाल करने के लिए काम आता है। अब आता है अंकगणित मतलब तार्किक इकाई ALU। अंकगणितीय तार्किक इकाई माइक्रो कंप्यूटर की गणना इकाई है, इसे तार्किक इकाई भी कहा जाता है। यह जोड़ घटाव गुणा पूरक या अन्य ऑपरेशन करता है। इसका गणना करने के लिए ALU इकाई से ने रजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर, एडर, हाफ एडर या फ्लैग का उपयोग किया। झंडे जैसे कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, स्टेट्स फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये सब क्या काम करता है, ये सब ALU में काम किए जाते हैं। अब आता है नियंत्रण इकाई। नियंत्रण इकाई निर्देशों के निष्पादन और अनुक्रम को नियंत्रित करती है। कंट्रोल मतलब सबसे पहले तो ये करेगा कि आपने क्या आदेश दिया है, उन आदेशों को क्रमवाइज से पूरा करता है। ठीक है, पहले जिसका नंबर है निर्देशों के अनुसार निष्पादित करता है। और CU उपकरणों से निर्देश प्राप्त करता है। मेमोरी में डेटा को स्थान तक पहुंचाने के लिए निर्देशों को एक विशिष्ट रूप में परिवर्तित करता है और विशिष्ट निर्देशों पर कार्रवाई करने के लिए ALU नियंत्रण देता है। नियंत्रण इकाई बसों, रजिस्टरों, मक्स और सर्किट को नियंत्रित करती है। मतलब जो नियंत्रण इकाई होती है वो रजिस्टरों को, डाटा को, है ना, मक्स को और सर्किट, जो आपका एक बोर्ड टाइप का लगा होता है उसको कहते हैं सर्किट। यहाँ पर बहुत सारे लगे तो उनको नियंत्रित करती है। मेमोरी यूनिट आती है। मेमोरी यूनिट कई मेमोरी प्रबंधन तकनीक जैसे कि FIFO 1, FIFO 0, है ना, और FIFO, LIFO, OPRO, LRU आदि का उपयोग करके मेमोरी के डेटा प्रवाह को परिवहन को नियंत्रित करती है। जैसे कि कौन कौन से करती है, जैसे कि वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल, मतलब कि RAM और ROM। अस्थिर मेमोरी, तो मेमोरी जो लाइट चालू होने तक थोड़े समय के लिए डेटा संग्रहित करती है। गैर वाष्पशील मेमोरी, जो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, वही अस्थिर मेमोरी। जो कौन सी मेमोरी होती है, अस्थिर मेमोरी होती है। अब आता है रैंडम मेमोरी। RAM को जो फिजिकल रूप में जाना जाता है, RAM अस्थिर मेमोरी है। ये हार्ड डिस्क से तेज है। RAM को CPU और हार्ड डिस्क के बीच रखा जाता है। किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले उसे हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है और फिर सीपीयू से एक्सेस किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी स्थायी स्टोरेज होता है। एक बार जब डेटा उस पर लिखा दिया जाता है तो बिजली चालू होने या बिजली बंद होने पर सामग्री नष्ट नहीं होगी। इस पर बूट रिकॉर्ड लिखा हुआ है। जब हम सिस्टम को स्विच करते हैं तो बूट रिकॉर्ड रैम से लोड हो जाता है। रैम से लोड होता है। जब सिस्टम बंद हो जाता है तो ये रैम पर स्टोर हो जाता है। अब आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होते हैं। तो बसों के माध्यम से परिधीय उपकरण सीपीयू, परिधीय मतलब कि एक सीक्वेंस है, उपकरण सीपीयू के साथ संचार करते हैं। नियंत्रण बसों ने नियंत्रणों को सक्रिय करने के लिए घड़ी का सिग्नल उपयोग किया। प्रक्रिया के लिए ऑप कोड या ऑपरेंड लाने के लिए प्रोसेसर द्वारा उपयोग की जाने वाली पता बसें, डेटा बस का उपयोग डेटा पर पढ़ने और लिखने के संचालन के लिए किया जाता है। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिए इसके प्रकार। ठीक, अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग। कहाँ कहाँ इसके उपयोग होते हैं? उपयोग बहुत आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका उपयोग का कि कंप्यूटर के उपयोग बताइए। तो कंप्यूटर के उपयोग में ये जो माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग हैं, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप, ठीक है, पीसी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी डेस्कटॉप में आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, यही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। तो अपन ने पढ़ा इसके ये प्रकार रहे हैं। तो प्रकार हैं तो मतलब अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि लैपटॉप के प्रकार बताओ तो इसी के प्रकार आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। सबसे पहला शिक्षा विभाग, क्योंकि अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन शिक्षा विभाग का लेंगे। तो छात्र और शिक्षक अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक के लिए छात्रों और शिक्षकों द्वारा किया जाता है। इनका उपयोग सॉफ्टवेयर सीखने, शोध करने और ऑनलाइन कक्षाएँ करने में किया जाता है। जैसे आज आप मोबाइल में कर रहे हो, ठीक है, लैपटॉप में करते थे पहले लोग, और आजकल जो लोग अच्छी रिच फैमिली होती है वो पहले ही से मोबाइल की को ना पढ़ाई करके मोबाइल पे, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे पढ़ाई करते। बहुत से वीडियो देख भी रहे हो, कहीं देख रहे हो तो कमेंट जरूर करें कि हम वो कंप्यूटर से देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है वैज्ञानिक अनुसंधान करने, मतलब रिसर्च करने में वैज्ञानिकों के लिए। इन कंप्यूटरों का उपयोग मौसम के मिजाज को समझने और साप्ताहिक और मासिक आधार पर मौसम के पूर्वानुमान का अनुमान लगाने में किया जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे सिमुलेशन, डेटा विश्लेषण, वैज्ञानिक मॉडलिंग, जैव प्रक्रियाओं का निरीक्षण करना। ठीक है, डेटा विश्लेषण मतलब कि डेटा का जो भी आंकड़ा बनाना है उसको समझना है, वो करना। वैज्ञानिक मॉडलिंग, वैज्ञानिक जो तरीके से उनको प्रदर्शित करना है। जैव क्रियाओं का निरीक्षण मतलब जो जीवित है, ठीक है, उनका कंप्यूटर के द्वारा परीक्षण करना, ये सब इसके काम आता है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन क्षेत्र में भी किया जाता है। एक अपन ने लिखा था तो आप इसे गाने सुन सकते हैं, फिल्म में भी देख सकते हैं, इसमें भी ये भी काम हो जाता है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं जैसे लाइव, है ना, और संगीत भी चला सकते हैं। रोकू और एप्पल टीवी जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम माइक्रो कंप्यूटर द्वारा चलाए जाते हैं। फिर आता है अगला, परिवहन में प्रयुक्त होता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग परिवहन प्रणालियों में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे वाहन के प्रदर्शन की निगरानी करना, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का प्रबंधन, ट्रैफिक लाइट को नियंत्रित करना। ट्रैफिक लाइट जो होती है माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा होती है, ऑटोमेटिक चलता है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मतलब जो सार्वजनिक मतलब रास्तों में जो लाइट लगी रहती है उसमें भी, और ये वाहन को प्रदर्शित निगरानी करना। वाहन के बाहर अगर आप कोई कंप्यूटर या कोई कैमरा लगाते हैं तो इसमें जो रिकॉर्ड होता है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आता है गेमिंग उद्देश्य के लिए। तो बच्चे और युवा माइक्रो कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। गेम विकसित करने के लिए डेस्कटॉप और लैपटॉप का भी उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर उच्च ग्राफिक गेम चला सकते हैं और उपयोगकर्ता अपने डिवाइस पर गेम खेलने का आनंद ले सकते हैं। मतलब ये जो कंप्यूटर है ना वो हाई डिस्प्ले, हाई ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, ये सपोर्ट कर लेते हैं, मतलब ये वाले माइक्रो कंप्यूटर। तो ये माइक्रो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए भी उपयोगी है। अस्पतालों में भी उपयोग किया जाता है। तो मरीजों का रिकॉर्ड रखने और चिकित्सा अनुसंधान करने के लिए डॉक्टर माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अस्पताल में कर्मचारियों इन कंप्यूटरों का उपयोग हृदय की निगरानी, CT स्कैन करने के लिए। स्वास्थ्य की विभाग भी रोगी निरीक्षण के लिए माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मतलब माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हॉस्पिटल में भी किया जाता है। लोगों का सीटी स्कैन करने के लिए, उनकी निगरानी रखने के लिए, हृदय की जांच करने के लिए भी माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है अपने देश की बारी। सेना में प्रयुक्त, मतलब अपनी जो आर्मी है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। सेना में यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग सैन्य क्षेत्र में सैनिकों को प्रशिक्षित करने, उनको ये समझो ट्रेनिंग देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सैन्य ड्रोनों को भी इन्हें कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया, जो सैन्य के जो ड्रोन उड़ते हैं ना, इसी कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटरों की सहायता से ड्रोनों द्वारा विभिन्न स्थानों से डेटा को एकत्रित भी किया जाता है। डाटा जो एकत्रित होता है इसी कंप्यूटरों के माध्यम से किया जाता है। अगला आ जाता है आपका ऑफिस का काम करना। कर्मचारी इन कंप्यूटरों का उपयोग अपने कार्यालयों में स्प्रेडशीट बनाने, मतलब कि एक्सेल पर कोई शीट बनाने, ईमेल भेजने, प्राप्त करने और दस्तावेजों के लिखने के लिए एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस और गूगल साइड जैसे विभिन्न कार्यालय उपकरण कार्य करने में मदद करते हैं, जो उपयोग में लिए जाते हैं, वो भी माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका घरों के लिए स्वचालन के लिए कंप्यूटर आता है। तो घर के लिए अगर आप चलाना चाहते हो उसी बच्चों को सिखाने के लिए, या आप जो हाउस वाइफ हैं वो भी घर में फ्री बैठी तो उन्होंने कहा क्या करें कंप्यूटर ले लूँ, तो इन कंप्यूटरों का उपयोग घरों के तापमान को नियंत्रित करने, प्रकाश व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। गूगल होम, अमेजॉन ईको जैसे आपने देखे होंगे, गूगल होम है ना, सब गूगल से कनेक्ट होते हैं। घर में ही चीज़ें रखी हैं, बल्ब बंद करना है, फ़ैन ऑफ करना है, ऑन करना है, घर से हो जाता है। एसी घर चल जल्दी एसी छोड़े आए, जॉब पे जा रहे हैं तो एसी बंद कर दी, पता चल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई मोबाइल पे। होम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जाता है। सब इस कंप्यूटर में की उपयोग किए जाते हैं। अगला आता है अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयोग। तो अंतरिक्ष अभियानों का अनुकरण करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग उपग्रह सेंसर द्वारा एकत्रित किए गए डाटा को विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष यान की उड़ान को भी माइक्रो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर अभी चंद्रयान जो गया है ना, तो चंद्रयान 3 2023 में गया है, तो इसका नियंत्रण भी शायद माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है वो सुपर कंप्यूटर में किया जा रहा होगा, आई थिंक सो। आपको पता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगला आता है फिर संचार उद्देश्य के लिए उपयोगी किया जाता है। संचार उपयोग के लिए स्काइप जैसे वीडियो चैट, ठीक है, करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। व्हाट्सएप की तरह एक और सॉफ्टवेयर है, ये कैसा है, ये स्काइप जैसे वीडियो चैट संचार के लिए व्हाट्सएप जैसे ही होता है, तरह और सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए यूज़र्स एक दूसरे से मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप माइक्रो कंप्यूटर पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपर, सामग्री निर्माण, विपणन, आपने फ्रीलांसिंग कार्य करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इन कंप्यूटरों पर विभिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं जो उनके काम को बढ़ाते हैं, जैसे कि एडोब क्रिएटिव सूट, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विजुअल स्टूडियो कोड आदि, मतलब बहुत सारे हैं ये। उसके बाद आता है शेयर बाज़ार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो शेयर बाज़ार का कारोबार भी माइक्रो कंप्यूटर से नियंत्रित होता है। ब्रोकर और निवेशक शेयर बाज़ार में व्यापार करने के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो शेयर मार्केट वाले होते हैं वो ज़्यादातर लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप करते हैं, पर लैपटॉप क्योंकि उनको कहीं और इन्फॉर्मेशन देना है, कहीं और चीज़ बताना है, तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, डेस्कटॉप मतलब लैपटॉप का यूज़ करते हैं। वे शेयर बाज़ार में स्टॉक शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। ये कंप्यूटर शेयर बाज़ार का पूर्वानुमान भी लगाते हैं और उपयोगकर्ताओं को भी रिपोर्ट दे देते हैं। अगला आता है व्यवसाय में प्रयोग। व्यवसाय लेखांकन, इन्वेंट्री, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बिजनेस होते हैं बिजनेस में भी इसका काम होता है। जैसे आपने देखा होगा लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आजकल आप जो टैली सीख लेते हैं तो पूरा डाटा खुद ही उसमें मैनेज कर लेते हैं, तो वो कौन सा कंप्यूटर है, आपका माइक्रो कंप्यूटर है। व्यवसाय लेखांकन, इन्वेंट्री और पैरोल प्रबंधन के लिए माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मतलब व्यवसाय लेखांकन मतलब कि बहुत सारा जो आपका बिजनेस का लेखा जोखा कार्य है वो, इन्वेंट्री और पैरोल प्रबंधन मतलब कि आपने एंट्री करी, कौन कौन सा सामान बिक गया, कौन सा नहीं बिका, जो आपने स्टॉक कितना रह गया है ना, कितना वापस आया है, कितना किसने किस महीने बिका, कौन सा माल कब बिका, ये पूरा जानकारी उसमें रहती है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे मार्केटिंग अभियान चलाते हैं और ग्राहकों से संवाद करने के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो शायद इसको आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अब मिनी कंप्यूटर पढ़ेंगे अपन कल, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया, 24 मिनट की वीडियो यहाँ पर बन गई है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिखें जो आपको डाउट है, पर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। इसी प्रकार आप बने रहें और कल से और या फिर आप देखेंगे कल से या थोड़े दिन बाद जो DCA PGDCA जो कर रहे हैं, ये टॉपिक तो चलते रहेंगे इस टाइप से, पर मैं ख़ुद बोर्ड पर इनको लाइव या फिर ऑफलाइन पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूं। या फिर आपको एक एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सीधी बात बताऊं मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको पेपर में आने के लिए, उन क्वेश्चनों को मैं आपको ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक दिन में करवा दूँगा, तो इससे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं पूरा, वो उन क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। ये बात अपन सबको बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।